घंटों पहले मायावती जी ने नोएडा में और नखलों में बहुजन समाज की मूर्तियां लगवाई थी। जब बहुजन समाज की मायावती ने घने सारे बहुजन समाज के लोगों की मूर्तियां लगवाई तो बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हुआ कि मायावती ने बहुजन समाज के लोगों का इतिहास बना दिया या खड़ा कर दिया। हमारे बहुजन समाज के लोगों के पास कहीं भी ऐसी जगह नहीं थी जो अपनी जाके वहाँ बैठ सकते थे या कह सकते थे अधिकार से कि ये मेरा स्थान है। तो उसकी बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, उसकी बुराइयाँ बहुत की और लोगों ने खूब कहा कि भाई पत्थरों में पैसा लगा दिया, इसमें विकास हो सकता था, ये हो सकता था। तो उसका करोड़ जो उसका जो बजट बताया था लगभग था 600 करोड़, और फिलहाल में अभी मोदी जी ने एक 3600 करोड़ की मूर्ति और लगभग इतना ही पैसा उन्होंने उसके विकास कार्य में, उसके जो पेड़ फूल पत्तियाँ जो उसका जो सौंदर्यकरण है लगभग इतना ही पैसा उन्होंने उसमें लगाया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहन मायावती जी ने बनवाया पार्क तो उस वो तो लोगों के यूज़ के लिए बनाया गया, और सबसे बड़ी बात है कि महापुरुषों की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन हमारे बहुजन महापुरुषों की तो थी नहीं तो वो बनाना था। लेकिन उसके द्वारा उससे टैक्स भी जाता है, उसको यूज़ भी किया जाता है, सरकारी संपत्ति में उसमें शूटिंग भी होती हैं, उसमें मूवी भी बनती है, सब उससे जो सरकार को पैसा मिलता है उससे बहुत सारा फायदा सरकार को होता है। जो मायावती जी ने लखनऊ में बनाया या जो नोएडा में बनाया उस पार्कों से बहुत सारा सरकार को मुनाफा हो रहा है। लेकिन अभी जो मूर्ति वो उन्होंने जब तो 600 करोड़ रुपए उठे तो सब लोगों ने उसका हल्ला मचा दिया, मीडिया ने उसका हल्ला मचा दिया, मनुवादी मीडिया, क्योंकि सोच ही होती है, सोच उन लोगों की ऐसी थी। लेकिन अब 3600 करोड़ की जो मूर्ति लगाई है उसके लिए किसी मीडिया ने नहीं दिखा, जबकि वो तो कई गुना महंगी है, और जहां पर उसको लगाया है एक जंगल में, बिल्कुल एक जंगल में लगाया है, यानी कि पूरे उससे बाहर लगाया है, शहर से बाहर लगाया है, तो उसके सौंदर्यकरण के लिए भी कितना पैसा लगाया जाएगा? क्या उसकी जरूरत थी? उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जो हमारे देश में आज गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, 2 लाख गांवों में स्कूल तक नहीं है, तो ऐसे ऐसे विकास कार्य में वो लोग काम करते तो अच्छा होता। और शहर के बीच में अगर किसी पार्क में आप मूर्ति लगा लेते कोई मनाही नहीं थी, लेकिन आप बिल्कुल शहर से हटकर फिर उसके सौंदर्यकरण पे इतना पैसा लगाएंगे, तो ये इसलिए लगाया गया ताकि लोग पेट अपना भर सके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लगाएंगे थोड़ा सा और बहुत सारा अपने फाइलों में उनकी में कैद होकर रह जाएगा, जिसका फायदा लोग उठाएंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट उसमें लगे हुए हैं। तो मीडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया सबके लिए इक्वल क्यों नहीं सोचती? अगर उन्होंने मायावती जी के पार्क की आलोचना की थी तो अब मीडिया कहाँ सो गया? अब उसको वो खबरें क्यों नहीं दिख रही? या मतलब जो सरकार की जो रणनीति चल रही है उनके खिलाफ मीडिया कुछ नहीं दिखाता, क्यों नहीं दिखाता? तो मैं अपने बहुजन मीडिया से ये अपील करना चाहती हूँ कि मनुवादी सोच के लोग जो हैं वो कभी भी देश का भला नहीं चाहते, वो देश को बरगलाना चाहते हैं, देश में वही ऊंच नीच करके अपना फायदा बनाना चाहते हैं। न्यूज़ ऑफ इंडिया देख रहे हैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से मीनाक्षी अम्बेडकर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।